हे दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी ए गुरुजी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नोबल प्राइज़ 2018 के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने पढ़ लिया होगा पर मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपका रिपीट करवाऊंगा और इसके साथ ही साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस भी तैयार किए हैं मॉक टेस्ट, जिसकी मदद से आपका पूरा का पूरा फिर से रिपीट हो जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको मज़ा बहुत आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमें अन अकेडमी पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं अभी UP SSSC से रिलेटेड जो है वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूं और धीरे धीरे और भी वीडियोस आ रहे हैं। जैसे कि मैंने एज रिलेशन के क्वेश्चन डाल दिए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मैं ला रहा हूं, RPFSI के लिए भी ला रहा हूं, बहुत सारी चीज़ें वहां पर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप हमको फॉलो कर सकते हो और जल्दी से फॉलो कर लो, बहुत मज़ा आएगा वहां पर भी। तो चलिए आते हैं नोबल प्राइज़ 2018 के बारे में। तो बेसिकली नोबल प्राइज़ जो है आप सबको होता है कि अल्फ्रेड नोबल की याद में हर साल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबल की याद में 10 दिसंबर को बेसिकली ये दिया जाता है, उनके जो बोलते हैं जन्मदिन उनका पड़ता है उसकी अवसर पर। और 6 क्षेत्र जो हमारे हैं, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में, और फिजिक्स यानी कि भौतिकी क्षेत्र में, और आपका केमिस्ट्री के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, और साहित्य के क्षेत्र में। बेसिकली यहाँ पर मैंने लिखा है कि साहित्य में 2018 में ये पुरस्कार नहीं दिया गया, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी और कुछ जो साहित्य में क्षेत्र में जिसको दिया जाना था उसके ऊपर कुछ केस चल रहा था मजिस्ट्रेशन को लेकर के, इसी वजह से 2018 में नहीं दिया गया। और इस बार जो है आपको 5 ही क्षेत्र का याद रखना है, चिकित्सा, फिजिक्स, चिकित्सा का, भौतिकी का, रसायन का, शांति का और इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स बेसिकली कभी कभी पूछा जाता है 1968 से स्टार्ट हुआ, इसके पहले 5 में ही दिया जाता था और 1968 से अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स को भी ऐड कर लिया गया था इसमें। अब बात करते हैं चिकित्सा के बारे में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों जो बेसिकली पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है कैंसर के लिए, कैंसर थेरेपी में एक नई खोज के लिए इसको पुरस्कार दिया गया है, और ये दिया गया है तासुकु होंजे और जेम्स पी एलिसन को। किसको इसको दिया गया है? तासुकु होंजे और जेम्स पी एलिसन। इसको आप अपने हिसाब से कई तरीक़ों से याद कर सकते हो, कैंसर बहुत बड़ा रोग होता है और तासुकु होंजे और जेम्स पी एलिसन दो लोगों को मिला था। तो आप कुछ भी ट्रिक बना करके याद कर सकते हो, अपने हिसाब से आपका ऊपर है, कुछ भी बना करके आप याद कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप, मैं तो मानता हूँ कि आपको अगर आपको कोई भी चीज़ याद करनी है तो आप बेसिकली पहले उसको पढ़ो, उसके बाद आप उसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एक लगा लो और जिसमें आप सब कुछ डिटेल में उस क्वेश्चन को, मॉक टेस्ट को हल कर लो, आपका तैयार हो जाएगा। तो अभी एक देखिए 5-6 आप पढ़ेंगे, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट करवाऊँगा और आपका इसी वीडियो के अंदर ही सब कुछ याद हो जाएगा। अब बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में भाई जो पुरस्कार मिला है नोबेल का वो लेजर फिजिक्स के क्षेत्र में काम के लिए दिया गया है। तो लेजर फिजिक्स में बेसिकली जो 3 लोग हैं उनको दिया गया है, अर्थर आस्किन, डी स्ट्रिकलैंड और जेराल्ड मोरो। किसको इसको दिया गया भाई, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, अर्थर आस्किन, डी स्ट्रिकलैंड और जेराल्ड मोरो, इन तीनों को मिला है। इसके बाद बात करते हैं शांति के लिए। शांति के लिए देखो यहाँ पर दोस्तों, तो शांति के लिए यहाँ पर भी 2 लोगों को मिला है, यौन हिंसा के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए। बेसिकली कभी कभी पूछा जाता है कि शांति के लिए क्या किया गया था, तो यौन हिंसा के खिलाफ मुहिम चलाया गया था, इसी वजह से शांति के लिए पुरस्कार मिला था। और डेनिस मुकवेज को और नादिया मुराद, इन दोनों को मिला था, डेनिस मुकवेज और नादिया मुराद यौन हिंसा के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए। अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं, तो अर्थशास्त्र में बेसिकली 2 लोगों को दिया गया था, और किस लिए दिया गया था, जलवायु परिवर्तन पर एक नई तकनीकी की खोज के लिए। इकोनॉमिक्स आप सबको होता है कि इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड होता है भाई, अपने इंडिया की जो इकोनॉमिक्स है वो कृषि की वजह से होती है, और अगर जलवायु परिवर्तन पर एक नई तकनीकी खोज हो रही है तो जलवायु परिवर्तन होने वाला होता है तो कृषि का नुकसान हो जाता है, तो इससे रिलेटेड जो थी वो खोज हुई है। और डी नॉर्डहास जो कि USA के हैं, और एम रोमर जो भी, ये दोनों USA के हैं, इन्होंने इनको, इन दोनों को अर्थशास्त्र की तरफ से अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बेसिकली नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वीडिश थे अल्फ्रेड, और स्वीडिश की एक संस्था है वो देती है। और इसके बाद बात करते हैं लास्ट केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में जो मिला है बेसिकली ये डायरेक्टेड एवोल्यूशन के जरिए एक एंजाइम की खोज, जी हाँ बेसिकली एक एंजाइम की खोज के लिए दिया गया, एक ऐसे एंजाइम की खोज किया गया है जिससे जो विकास है वो तेज़ी से हो सकता है। जैसे आप लोग को पता है ना कि जो इंसान था, इंसान अगर कोई बीमारी हो जाती है या इंसान जो विकास करता है, माइंड डेवलप हो रहा है उसका, धीरे धीरे होता है, वो कुछ ऐसा एंजाइम खोज किया गया है कि विकास या जैसे बॉडी ग्रोथ होती है वो तेज़ी से हो जाती है, तो कुछ ऐसे एंजाइम की खोज की गई है। और इसके लिए 3 लोगों को दिया गया भाई, फ्रांसिस अर्नॉल्ड, जॉर्ज स्मिथ और ग्रेगरी विंटर। कौन कौन? फ्रांसिस अर्नॉल्ड, जॉर्ज स्मिथ और ग्रेगरी विंटर, इन तीनों को मिला है। तो भाई यही 5 क्षेत्रों में अभी
इस बार पुरस्कार मिला है, साहित्य में नहीं मिला है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपका फटाफट तैयार हो जाए। हमने बताया ना कि बिल्कुल छोटे से वीडियो आपको क्लियर करा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है भाई, आर्थर अस्किन को किस क्षेत्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो मैंने अभी सब बताया था भाई, आर्थर अस्किन को बेसिकली मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। रसायन की अगर हम बात कर ले, देखो अभी यही सब कुछ रिपीट होता चलेगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आर्थर अस्किन को भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। और भौतिकी के क्षेत्र में किसको मिला था भाई, अगर हम बात करें भौतिकी क्षेत्र में, तो और डी स्ट्रिकलैंड को मिला था और जेरार्ड माउरो को मिला था। किसको? इसको डी स्ट्रिकलैंड को मिला था और जेरार्ड माउरो को मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। इसके बाद बात करते हैं रसायन की। तो रसायन में भाई अभी मैंने बताया था फ्रांसिस अर्नोल्ड जॉर्ज स्मिथ ग्रेगरी विंटर किसके लिए, एंजाइम की खोज के लिए, डायरेक्टेड एवोल्यूशन के जरिए एक एंजाइम की खोज की थी, जिसमें रसायन विज्ञान में फ्रांसिस अर्नोल्ड जॉर्ज स्मिथ और ग्रेगरी विंटर इनको मिला था। इसके बाद बात करें साहित्य में, तो इस बार साहित्य में किसी को पुरस्कार दिया ही नहीं गया। और अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र में भी क्या बोलते हैं, दो लोगों को पुरस्कार मिला था नोबेल पुरस्कार, जलवायु परिवर्तन पर एक नई तकनीकी खोज के लिए डी नॉर्डहास जो कि यूएसए के थे, और एम रोमर, इन दोनों को अर्थशास्त्र में पुरस्कार मिला था। इसके बाद बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में किसको पुरस्कार मिला था 2018 में। तो अगर हम बात करें चिकित्सा के बारे में, तो चिकित्सा के लिए जो कैंसर थेरेपी में खोज किया गया था उसके लिए तासुकु होंजे को दिया गया था और जेम्स पी एलिसन, इन दोनों को दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में 2018 में नोबेल पुरस्कार। इसके अलावा अगर हम बात करें जॉर्ज स्मिथ की, दोस्तों अगर हम बात करें जॉर्ज स्मिथ की, तो जॉर्ज स्मिथ को मिला था रसायन शास्त्र के लिए, जी हाँ। और एम रोमर की बात करें तो अर्थशास्त्र के लिए, और डी स्ट्रिकलैंड की बात करें तो भौतिकी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2018 में किसे नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए तासुकु होंजे को तो भाई किसके लिए मिला था, तासुकु होंजे को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। नादिया मुराद को शांति के क्षेत्र में, नादिया मुराद को शांति के क्षेत्र में मिला था। नादिया मुराद के साथ साथ मुकवेज कौन था, डेनिस मुकवेज, इन दोनों को शांति के क्षेत्र में मिला था। और अगर हम बात करें डी नॉर्डहास और एम रोबर, ये दोनों लोगों को अर्थशास्त्र के लिए, डी नॉर्डहास और एम रोबर, इन दोनों लोगों को क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2018 में मिला है, समझ गए? तो इन दोनों को मिला है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, रसायन के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर रसायन के क्षेत्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों अगर हम बात करें डोना स्ट्रिकलैंड की, तो अभी मैंने बताया डोना स्ट्रिकलैंड को किस लिए मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, वो लेजर जो बीम है उसके लिए मिला था। इसके बाद बात करें फ्रांसिस अर्नोल्ड को, जी हाँ फ्रांसिस अर्नोल्ड को, जॉर्ज स्मिथ को और ग्रेगरी विंटर को, इन तीनों को, मतलब फ्रांसिस अर्नोल्ड, जॉर्ज स्मिथ और ग्रेगरी विंटर, इन तीनों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद बात कर लेते हैं जेरार्ड मौरो की। अगर हम बात करें जेरार्ड मौरो की, तो जो जेरार्ड मौरो है इनको किसके लिए मिला था, जेरार्ड मौरो की अगर हम बात करें, तो दोस्तों इनको मिला था किसके लिए, इनको मिला था हमारे भौतिकी के लिए। और अगर हम बात करें नादिया मुराद की, तो नादिया मुराद को मिला था पीस के लिए, किसके लिए मिला था, पीस के लिए, यानी कि शांति के लिए मिला था। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 2018 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो 2018 में भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, ये मिला था, देखिए तासुकु होंजे को मिला था चिकित्सा क्षेत्र में, नादिया मुराद को मिला था पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में, फ्रांसिस अर्नोल्ड को मिला था आपके रसायन क्षेत्र में, लेकिन जो हमारे डोना स्ट्रिकलैंड या डी स्ट्रिकलैंड है इनको मिला था भौतिकी के लिए, समझ गए? भौतिकी अगर फिर से आ जाए तो वही लेजर बीम वाला, याद रखिएगा कि लेजर, जी हाँ जो लेजर बीम है उसके लिए मिला था, और लेजर फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने, इसीलिए मिला था इनको। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, शांति के क्षेत्र में 2018 में नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है? अगर हम बात करें शांति के क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में दो लोग थे, एक नादिया मुराद थे, एक डेनिस मुकवेज थे। तो यहाँ पर देखिए डेनिस नादिया मुराद है, तो ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा। डी नॉर्डहास हमारे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में थे, जॉर्ज स्मिथ की अगर हम बात करें तो रसायन शास्त्र के क्षेत्र में हैं, और जेम्स पी एलिसन जो हैं ये हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, समझ गए दोस्तों? बात कर लेते हैं आखिरी क्वेश्चन की, तो 2018 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? तो देखो रसायन में भी मिला है, अर्थशास्त्र में मिला है, भौतिकी में मिला है, लेकिन साहित्य में आपको नहीं मिला है, समझ गए दोस्तों? तो ये था भाई क्विक अपडेट आपके क्या बोलते हैं नोबेल पुरस्कार 2018 जो प्राइज़ विनर्स थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आई होप कि आपको ये वीडियो इतनी मतलब वीडियो से आपको लगभग लगभग तैयार हो गया होगा, और अगर आपके आने वाले 2-3 महीने में जो भी क्वेश्चन होंगे आप यहाँ से फटाफट रिवाइज़ करके लगा सकते हो। तो यार अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर,
बाय और साइनिंग ऑफ ऑन डियर गुरुजी।